नासदातिन्नो सदातित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था अफगान हमलावरों की जीत का हमारे समाज पर दो रुखा असर हुआ और एक पहलू दूसरे के विरोध में था। एक तरफ कट्टरवाद बढ़ गया और अपने आप में सिमट गया ताकि बाहरी हमलों के असर से महफूज रहे। वहीं दूसरी तरफ विदेशी तौर तरीकों को देखा देखी अनजाने में अपनाया भी जाने लगा, रहन सहन और विचार दोनों में। इस भजन के रचयिता संत नामदेव मराठी और हिंदी के कवि थे। वो दक्षिण भारत के उन भक्ति संतों में थे जिन्होंने उत्तर भारत आकर आम जनता में भक्ति भाव का प्रचार किया। उनके समकालीन थे हिंदी और फारसी के कवि अमीर खुसरो। इस्लाम के वाहिद खुदा के तसव्वुर ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया
और वेदांत के कण कण में भगवान के सिद्धांत ने मुस्लिम भक्तिवाद यानी तसव्वुफ पर अपना असर छोड़ा। हिंदुस्तान में आकर बसने वाले सूफी औलिया में सबसे अव्वल नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्होंने शहाबुद्दीन गौरी के हमले के बाद अजमेर पहुंचकर चिश्तिया सिलसिला कायम किया। चिश्तिया सिलसिले के सूफी कवि संतों की खासियत ये थी कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपना कलाम कहते। चिश्तिया संत कवियों में दो मशहूर नाम हैं, फरीदुद्दीन गंजशहर और अमीर खुसरो। खुसरो के बाद कई प्रेम मार्गी सूफियों ने हिंदवी में कविताएं रची। हिंदवी की सबसे पुरानी मसनवी है मुल्ला दाऊद की चंदायन, जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में लिखी गई। कह बाजुर कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन, बाजुर कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन, पूछ रहे जन और महाजन।
तो अगर हमें पीड़ा बतला दे तो हम तुझको औषधि ला दे, तो हम तुझको औषधि ला दे। एक ही क्यों सुंदरी मैंने प्राण हर लिए मेरे तिसने, कैसा सौदा किया फिजूल, ना हुआ लाभ गवाया मूल। मैं तो इतना ही कह पाऊं, मैं तो इतना ही कह पाऊं, कौन बधिक मैं ना बतलाऊं, कौन बधिक मैं ना बतलाऊं। पूछो घायल से कि तू क्यों जागा सब रात, तू क्यों जागा सब रात। पूछो घायल से कि तू क्यों जागा सब रात, जो दयाले दर्द को वो जाने सब बात, वो जाने सब बात। कौन है ये जो दिल की गहराइयों में डूब कर गा रहा है? बांटा, मुझे बेचैन करने वाले उस गायक को बुलाओ। जो आ गया। कह बाजुर कैसी पीड़ा मन पूछ रहे जन और महाजन, अगर हमें पीड़ा बतला दे तो हम तुझको औषध ला दे। महाराज की जय हो। बाजुर, तुम्हारे गायन ने कल रात भी मुझे सोने नहीं दिया और आज फिर तुम वही गीत गा रहे हो। कौन है वो जिसने तुम्हारी आवाज में ऐसी मधुरता और ऐसी पीड़ा भर दी है? महाराज, चारों दिशाओं में भटकते हुए मैं गोवर राज्य के सुंदर नगर में पहुंचा। वहां मैंने एक चांद सी रूपसी को देखा, तभी से पीड़ा मेरे हृदय में वैसी ही समाई है जैसे पत्थर में कील। मैं उस चंदा को भुला नहीं पा रहा हूं राजेश्वर। सुदबुद ऐसे खो बैठा हूं कि न दिन का पता चलता है न रात का। बाजुर, उस सुंदरता की मूरत कौन है? उस अनदेखे चांद के रूप का वर्णन तो करो। जो आ गया महाराज। कमर बरन बालों को देखा, कमर बरन बालों को देखा, अमृत कलश पे विषधर देखा, लंबे बाल एड़ियां छूते, लंबे बाल एड़ियां छूते, नाग सिंदूरे चल रेंगते, नैन सुरूप और कजरारे, छिन बचिन होत जो रत नारे, भरी हो आक आम की मोती भरी हो, भौह तले ला कर के धरी हो, पर्ण थाल छाती पर धरे, पर्ण थाल छाते पर धरे, रतन पदारत मानिक भरे, मानो उपन रहा सागर हो, मानो उपन रहा सागर हो, पीता भवर पत्नी रस हो। रुक क्यों गए? के रूप का और बखान करो। जब तक मैं रुकने को ना कहूं गाते जाओ बाजुर। हे
चलती हंसनी ठुमक ठुमक कर, चलती हंसनी ठुमक ठुमक कर, पाँव उठाती झमक झमक कर, चमक चमक धरती पग धरती, छनक छनक पग पंक्ति भरती, लहर लहर देह लहराई, लहर लहर देह लहराई, चंदन जायफल मिला सजाई, वे सरंग सिवान वो ऐसे लगे कि उड़ जाएगी, जैसे ऐसे वसन पहनती नारी, ऐसे वसन पहनती नारी, कुंद न जुड़ी सिंदूरी सारी, झीनी मुंगिया अंग धरे मंडिला चुनरी भी ओढ़े वो, चलती चोली चीर पहन लगे ले जाए पो, ओचे मो बस बस मुझे और व्याकुल मत करो, मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूं। बाटा गौहर राज के मेहर को संदेश भेजिए कि यदि सुंदरी चंदा महाराज रूप चंद को नहीं सौंपी गई तो सारे गौहर राज को नष्ट कर दिया जाएगा। चंदा देह के काम रस राजा यूं पगलाया, माने एक ना अपशकुन गोवर नगर घिराया। महाराज, राजा रूपचंद की सेना ने महल को खेल लिया है, वो घेराबंदी तभी खत्म करेंगे जब आप अपनी बेटी चंदा का हाथ उन्हें सौंप देंगे। मंत्री जी, मेरी पुत्री का विवाह हो चुका है, अब मैं दोबारा उसकी शादी राजा रूपचंद के साथ कैसे कर सकता हूं? सारी दुनिया जानती है कि मैं उसे वामन को दे चुका हूं। मगर महाराज, रूपचंद का कहना है यदि शांति से चंदा उसे नहीं दी गई तो वो शक्ति के बल पर उसे हासिल कर लेगा और आपको अपना गुलाम बना लेगा। बना कर देखे। महाराज, धर्म और नीति के विरुद्ध अपनी बात कहता हूं मैं, आप भी मानेंगे चंदा का ब्याह नाम का ही ब्याह था, नहीं तो भला वो ससुराल छोड़ क्यों रहती है अपने पिता के ही घर सदा? चंदा ने वामन के साथ अग्नि को साक्षी मान कर लिए हैं सात फेरे। वामन लूला लंगड़ा काना कुबड़ा है, इसलिए कभी वैवाहिक सुख का अर्थ न जान पाई चंदा, यह उसकी किस्मत है और क्या। लेकिन महाराज, रूपचंद को इन सब बातों से क्या? मेरी तो राय यह है, सौंप दे चंदा को उसे और राज्य करें सुख से। हमारी धमनियों में भी खून बहता है मंत्री जी, और अपने मान की रक्षा के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। जाओ, जाकर कह दो उसे कि एक एक कर अपने सभी योद्धाओं को हमारे योद्धाओं के साथ लड़ा कर देखे, अगर उसके योद्धा जीत गए तो चंदा उसकी। मगर महाराज, उनके पास बाठा जैसा वीर योद्धा है दुनिया में अद्वितीय। हमारे पास लोरिक है जो उसके सभी योद्धाओं को स्वर्ग की यात्रा करा सकता है। जाओ, लोरिक को युद्ध की सूचना दो। काहे अपनी जान खतरे में डालत हो बचवा, ले जाए रूपचंद चंदा को। अरे ई राज राजवाड़न के लड़ाई में मचन दो तबाही, हम तुमको ना ही जान दे। हमका चंदा के रखवाली का भार नहीं रखा है जो महर तुमका जान गवाई खातिर भेज रहे। अरे तुमका कछु कोई गवा तो हम के ही के सारे जीव।
अरे ओ बचवा, तनिक अपनी घरवाली के बारे में कुछ सोचो। भरी जवानी में अही का सुख काहे छीनत हो। भाई तनिक महर की बिटिया के बारे में भी सोचो, का कसूर किए है? बराए आदमी की खातिर वो काहे अपन जिंदगानी निछावर करे? वही चांदमुखी चंदा के भाग में दाग लगा है, अही से तो ब्याहता होई के भी कुंवारी बैठी है, दूजा ब्याह करने में का बुराई है? बस माई हमका आशीष दियो कि हम लड़ाई माँ बांठा के गला काटी के घर लौटी। नहीं रे बेटवा, तो अड़ियर राजन अपने मान के रखवाली का खातर तुमका और बांठा का भेड़ और मुर्गा जैसा लड़ाई जाए, हम ऐसा ना होई। भाई हम जोधा हैं और महर हमारा राजा है, हम मन कर्म और वचन से उका संग बंधी। अब उकर हुकुम है कि लड़ो, वो हम कैसे टाल सकते? हाँ, तुमको कोई परवाह नहीं, मैना के बारे में कछु नहीं सोचत हो? का चाहत हो तुम, चंदा सुहागा रहे और मैना विधवा हो जाए? यदि तुम्हार के लड़ाई में जाएगा ऐसा नहीं जबर इच्छा है तो तलवार लो, कर डालो हमारा दो टुकड़ा, तब जाओ, तभी हम देवता से विनती करब कि तुम दुश्मन पर जीत पाए के लौटो। मैना ऐसा कह के तू काहे हमारा दिल दुखावत है? हम चंदा का मुसीबत से उबारब और बांठा कमारी के विजेता के समान लौटब, फिर तुम्हार खातर सोना के पायल बनवाई, मोतियन से तुम्हार मांग सजाए रानी। चला लोर ले अपने साथी, चला लोर ले अपने साथी, अरे जहाँ खड़े मधमाते हाथी, जहाँ खड़े मधमाते हाथी, अरे लोहा नदी में डुबकी दिलाए, लोहा नदी में डुबकी दिलाए, अरे लगे ताल तलवे नहलाए, लगे ताल तलवे नहलाए, झलके लोग की सूरज उगा नहीं किसी को कुछ भी सूझा, देख हाल बांट तब दौड़ा राजा पास पहुंची बोला, अरे गिर चंदा ने सूरज बुलाया, गिर चंदा ने सूरज बुलाया, अरे सूरज दौड़ बचाने आया, सूरज दौड़ बचाने आया। पर वीर पुरुष जब भीड़ खड़ग निकली चिनगी, तब खड़ग निकली चिनगी, पाठ लड़ा धरती पर गिरा, पाठ लड़ा धरती पर गिरा, अरे ये पावलो रिकने धरा, ये पावलो रिकने धरा।
अरे रखा खड़ग फिर कंठ पर चला काट कर मुंड, अरे भागा राजा रूप चंद तब देख जमी पर रुंद, तब देख जमी पर रुंद, तब देख जमी पर रुंद। बहर चीत रन गोवर आया, गोरिक को तब निकट बुलाया, देकर बीड़ा गल से लगाया, मदमाते हाथी पे बिठाया, चामरधारी चमर डुलावे रावत अगवानी को आवे, ऊपर लाल चांदनी तानी चढ़ी अटारी देखे रानी, चढ़ी अटारी देखे रानी, जन समुदाय देखने आया, खड़ग चला लो रिक जस पाया, खड़ग चला लोरिक जस पाया, मुनियों ने आशीष दिया गोवर गाय बधावा, धन्य बाहुबल वीर है लोग चढ़ाए चढ़ावा, लोग चढ़ाए चढ़ावा, लोग चढ़ाए चढ़ावा। अटारी ऊपर आई दास बृहस्पति संग मिलाई, हुई साँझ पहला अंधियाला, चांद महल चढ़ किया उजाला, सोचे लोर अप्सरा आई, सोचे लोर अप्सरा आई, दूजा क्यों कर करे चढ़ाई, दूजा क्यों कर करे चढ़ाई, मुख ना जोत बदन हुआ रूखा, चंदा से हमें सूरज सूखा, चंदा से हमें सूरज सूखा। लगता है लोरी की प्रीत में मैं मर जाऊंगी, सखी सखी मुझे उसे एक बार और दिखा दे, जाना जाना तो मैं बचूंगी नहीं। चंदा कलोरिक पड़ा दिखाई, हुई विमोहित फिर अकुलाई। सुना आपके पुत्र अस्वस्थ हैं, तुमको कैसे मालूम भैया देवी? कल ही तो भरी बाजार में गिर गए रहे, सारे नगर शोर मच गया है, हम तंत्र मंत्र की जानन वारी है, जादू टोना सिद्ध किए है, ये बीमारी के दूर करबे का काम हमार है माई। तुम हमार लाल को ठीक करबो, हम तुमको मोतियल की माला देवे। मुझे तो रोग समझ में नहीं आ रहा, और ये ठीक करेंगे? आप सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, हम इनसे अकेले माँ कछु पूछन चाहत है। आओ बैठ जी, जी चलो चलो बिटिया। हम चंदा की सखी बृहस्पति हूँ लोरिक, कल हम और हमार मलकिन तुमका देखे रहे, तुम जौन प्रेम नजर से हमार मलकिन के निहारत रहे वो भी हम देखे रहे। तब तो तुम जरूर हमार मदद कर सकत हो, हम वो चंद्रमुखी का एक दफे और देखे के चाहत हैं। दर्शन सरल नहीं है, बहुत तपस्या करे के होत है, देवी के दर्शन करे का है तो बाबा सोमनाथ के मंदिर में जाके एक साल तक जोगी बन के रहो, तब दिवाली के रात में तुहार मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक बरस लोरिक सेवा की, एक बरस लोरिक सेवा की, मन्नत मानी चंदा स्नेह की, चंदा स्नेह की। कार्तिक में आई दिवाली, कार्तिक में आई दिवाली, सब ऋतु खेले आली, बोली सब ऋतु खेले आली, कहा चंदा ने बृहस्पति प्यारी, चलो मनाने चले दिवाली, चलो मनाने चले दिवाली, चलो मनाने चले पट अज्ञाने, पर न किसी ने पीर ये जानी, पर न किसी
किसी ने पीर ये जाने, लोग कहे ये निपट अज्ञानी, लोग कहे ये निपट अज्ञानी। ऊंचा पेड़ फल लगा कासा, ऊंचा पेड़ फल लगा कासा, हाथ लगेगा जरा नासा, हाथ लगेगा जरा नासा, कौन जोग जो बाह उठाए, कौन जोग जो पकड़ जो पाए, लोग कहे ये निपट अज्ञानी, लोग कहे ये निपट अज्ञानी। बृहस्पति, कौन है ये जोगी जिसकी वाणी इतनी रस भेगी? किसकी इसे कामना करता, किसकी उपासना? तुम इनका ना ही पहचानत हो? अरे तुमरे खातिर तो ही जोगी बने हैं, तुम प्रेम वचन दोगी तब वे मुक्ति मिलेगी इनको तब से। उनको देर तक सुधी नहीं आवेगी, जल्दी वापस चलो, तुम्हारी माँ राह देख रही है। बृहस्पति, चलो भी अब। बृहस्पति, मुझे उनसे एक बार और मिलने दे, उनसे जाकर कहे कि अपने माथे की भभूत पोंछ दे, अपना जोगी वेश तज दे। देव उनके प्रसन्न हुए हैं आज, उनकी आशा जरूर पूरी होगी। जाके कहना बृहस्पति, चल जाके कहना बृहस्पति। चंदा तो सूरज ही भावेगा, चंदा तो सूरज ही भावेगा, जो तू हरि हरि को ध्यावेगा। चंदा तो सूरज ही भावेगा, चंदा तो सूरज ही भावेगा। नोरिक गद गद था ये सुनकर, तीर रखा दोनों चरणों पर, सूर्य अभी मन रोक लगा तू, हस्ती चंदा शरद ऋतु पातू, जो तू हर हर को ध्यावेगा। चंदा को सूरज ही भावेगा, चंदा को सूरज ही भावेगा। चंदा गगन बुद्धि गुण चढ़ी, चंदा गगन बुद्धि गुण चढ़ी, जो तू हरि हर को ध्यावेगा। चंदा को सूरज ही भावेगा, चंदा को सूरज ही भावेगा, चंदा को सूरज ही भावेगा। कौन हो तुम?
आज तो हमका नहीं पहचानक। अरे हम वही हैं जोन बांठा का पछाड़ा, रूपचंद का खदेड़ा। आज तोहार खातिर जान जोखिम में डाल के यहां आए हैं। जब से तोहार रूप ज्योति देखी है, पतंगा के तान चलत है। प्रेम की बातें करके मुझे यूं न छल, जा यहां से। जब से भया जन्म हमार, हम रंगे तोहार प्रीत रंग में। तोहार बिना हमार जीवन नहीं है चंदा। प्रिय, जब से तुम्हें देखा है न भोजन भाता है न नींद आती है, तुम्हारे विरह में मरती हूं हर पल। ओहो, माला टूट गई। अब रात भर मोती बिनो और माला बनाओ। मोती बिनते रैन बितानी, मोती बिनते रैन बितानी। उठा सूरज सब साध सिरानी, उठा सूरज सब साध सिरानी। मोती बिनते रैन बिताने। कौन संग रतिया बिताई, कौन की भुजमाला पहने रह रात भर। अरे काहे बेबात रोवत हूं मैं ना, काहे मन में झूठ मूठ के डर लावत हूं हैं। वही से डरत है जिसे तुम्हार मन जुड़ गवा है। कौन नारी को लुभाए में तुमसे बड़ा कौन है। तोहार जैसी नारी अपन पति को खाई लेते। रोत हो बिटिया, कौनो तुम्हारा दिल दुखात। लौरे कछु कहा? माई, तुम्हार भी लौरे हमसे आग चुराई के पराए खेत में चले लग गया रहे। हमार सेज में आग लगाई के चांद सूरज आकाश में मिलत है, ते हम यहां घर में बैठे बैठे ही सब ना होन दे। ओ माई, हे देव, मैं सूर्य के बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे उसे एक चित्त करके प्रदान करो, ताकि वो उस मैना के पास कभी न जा पाए। क्या तुम अपनी सासू से झगड़ा करके आई है, या तेरा पति तुझ पर शक करने लगा है? ओहो चंद्रमुखी, तुम ही हो जो हमारे घर में अंधियारा करके हमारे घर लूटत हो। उल्टा अब तय हमरे ऊपर ही कीचड़ उछालत हो। मैं नीच हूं, लुटेरी हूं, तू ही पति प्यारी, यही कहना चाहती है ना तू? तुम ही हो दुष्टा जो हमारा सुहाग छीनत हो। शादी सुहाग मैं नहीं जानती, मन के मिलन को मानती हूँ। देव ने मुझे लोरिक को दिया, मैंने उसे पाया है। चंदा कहे सुना बात ये दो शरीर एक प्राणरी, लोरिक मेरा मैं लोरिक की ऐसी गांठ पड़ी डोरी की। मन वो मन मेरे
सारा संसार जानत है कि ते अपन कुल मां कलंक है रे कलंकिनी। तू अपने घर वाले को तो देख, हमारी देवड़ी पर भिकारियों की तरह पड़ा रहता है। तय अमावस की चांद जैसन हो जा, अब कब हमारे लोरे को ना देख पाइए, बिन पानी मछली जैसन छटपटाए छटपटाए के मरिए। मैं क्या, तू ही नहीं देख पाएगी उसे, वो आएगा और मेरे चरणों में जाकर बैठेगा। सपने में भी कभी तेरी छाया पर नहीं आने वाला वो। बृहस्पति, चंदा कहीं नहीं आई? चंदा जीत ठान बैठी है, वो अब तुमसे ऐसे लुक छिप के नहीं मिलेगी। मलकी ने संदेशा पठाया है कि तुम उनको लेके आज ये रात गोबर नहीं छोड़ी दोगे तो जहर खा ली है, सगरे राज में उनकी बदनामी हो लगी है। बृहस्पति, इस सावन का महीना है, बारमा सभी मार्ग डूबे हैं, तू उनसे जाके हमारा संदेशा कह दो कि जब बसंत ऋतु में टेसु फूली है हम उनका लेके दूर चली जाए। वो कही है कि वो बस आज रात तक इंतजार करिए, चाहो तो ले जाओ, बाद में तुमका पछताए का पड़ी। तो ठीक है, हमार चंदा से जाके कह दो कि हम आज रात निकल जाए और भोर भाई के पहले बूढ़ी गंगा के पार उतर जाए। दोनों चले उतावले ऐसे भूमि को चुमे न जैसे, दोनों चले उतावले ऐसे भूमि को चुमे न जैसे। देख लोर को चंदा कहे यूं, तेरा जी ऐसा उदास क्यों? देख लोर को चंदा कहे यूं, तेरा जी ऐसा उदास क्यों? सुन लोरिक तू मेरा देवा, मेरा देवा, पूरी तरह करूंगी सेवा, पूरी तरह करूंगी सेवा। प्यार की खातिर छोड़ दिया सब, छोड़ दिया सब, मुझे डुबाया पार लगा अब, मुझे डुबाया पार लगा अब, मुझे डुबाया पार लगा अब। केवट, केवट भैया, ओ केवट भैया, ओ तनिक हमका नदिया के ऊपर पहुंचाई दोगे? और तुम दोनों तो लागत है कि जवानी का जोश मां पागल हो गई हो, मौत हो जाए तो साथ साथ मरे के मजा। हमार जोरू है, बच्चा है, उन जिनगानी की नदियां कैसे के पार करिए? ये बाढ़ मां हम तो न जावा। लो तो ऐसन कहो ना, संभालो पतवार और हुई जाओ सवार, और नदी के वो किनारे हमारी नैया बांध दियो, सकार हम जावे तो ले आवे। तू हमका जाना था का? जानबे की इच्छा नहीं है कोनो बाबू, आजा। ऐसा दोनों जने नाव पर चढ़े, दोनों एक माटी के गढ़े, दोनों जने नाव पर चढ़े, दोनों एक माटी के गढ़े। खड़ा रह गया केवट तट पर, खड़ा रह गया केवट तट पर, लोर ने डाड़ लिया अपने कर, लोर ने डाड़ लिया अपने कर, लोर ने डाड़ लिया अपने कर। आगे चंदा सयानी, पीछे लोरिक भी, हो हो आगे चंदा सयानी, पीछे लोरिक भी, देव योग से पार कर पहुंचे पर ले तीर, पहुंचे पर ले तीर, पहुंचे पर ले तीर। लोरी लुच्चा, तू हमार घर वाले के लेके कहा भाग रहे हो? पराई स्त्री है वो, जानत नहीं हमारे तक ब्याई दई है। अब वो हमारे मेहमान, तुम चंदा के फोटी फोटी कर दे, ये गवाला चंदन कैयन के हाकत है, हम वैसे तुम का आके ले जाओ। काहे चिल्ला रहा है,
बरसों तेरे साथ रही, कभी तूने प्रीत के दो बोल नहीं बोले, कभी मेरी ओर उठाकर आंख तक नहीं देखी। जा वापस जा वामन, ये वीर लोरिक है जिसने रूपचंद के बहादुर बाठा को मार गिराया है, जा। हाँ, लोरिक तू मरद और ये औरत, वादा कर दे हम लौट जाओ और सगरे लोग और कुटुंब से हम कह देव जे गंगा स्नान करी थे चंदा के तुमका दे दिया पर हमार शराब है तुम पर जे तू यमपुरी में राज करियो और चंदा ये का सांप डस लई ये नार जिंदा ना रही ना रही। गोवर भूले दुई जने किया हर दी निवास, कितने ही दिन मास तक करते भोग विलास। रो रो मैना रैन बिताए, दिन दिन पंथा नैन बिछाए। रो रो मैना रैन बिताए, दिन दिन पंथा नैन बिछाए। दिन दिन पंथा नैन चंदा, ओ गौरगढ़ से मैना कर संदेशा लेके एक व्यापारी आया रहा। क्या कहा उसने? लोरिक, मैना ने लिखा है, तेरे आगे अपना सारा दुख रखकर तुझसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा बिछड़ा पति मुझे लौटा दे। ओ पूर्णिमा के चांद, उसे दूर ले जाकर तूने मेरी शया सूनी कर दी है। तुम जाओगे? ओ व्यापारी बतावत रहा कि मैना फटी मैली धोती पहन के दिन बिताए रही है, अखियन असुन से ऐसी भीगी रहते हैं कि कछु सूचत नहीं है, बस लोरी लोरी की रट लगाए रहे थे। अब ऐसा दशा में ओके पास जाना का हमार धर्म नहीं है चंदा? हाँ, कब जाओगे? दुई दिन बाद, बस हम जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आवेंगे। चढ़ तुरंग लोरिक घर आया, चढ़ तुरंग लोरिक घर आया, पांचवे मैया को मनाया, पांचवे मैया को मनाया। चढ़ तुरंग लोरिक घर आया, पांचवे मैया को मनाया, बाह पकड़ मैना को मनाया, पांचवे मैया को मनाया, बाह पकड़ मैना को मनाया। हमका तुमसे कछु ना कहे कहे, हम भाग को मान लिए हैं। जिंदगानी में कभो मने कछु खोवत है, कभो कछु पा जात है, यही रीत है। हम मन के आगे हार गए मैना, पर धर्म के आगे हमार माथा झुका है। तुम ओही के यहां काहे न ले आत हो? ओही के कारण यहां हम तुमका अपन पास तो देखत रह सकत है। तुम जब अपन प्रीत ओके दिए हो तो हमका भी चाहे कि ओके मान दे। तुम धन्य हो मैना, मैं उसका लेके आई। हाँ,
सारी रात पूर्णिमा छाई फूलों वाली सेज बिछाई आया भुजंग सुंग गंध को और डस लिया सज चंदा को डसते ही चंदा हुई अधियारी बेसुध होकर गिरी पियारी चंदा उठ उठ चंदा उठ नहीं तुम कटार घोप के मरी जा उठ चंदा अरे पाप करके हम तो पृथ्वीराज रासो जैसी गाथाओं में सामान्य प्रेम का वर्णन किया गया है मगर सूफियों ने प्रेम को भक्ति का दर्जा दिया उनका ख्याल था कि इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम इश्क हकीकी यानी दैवी प्रेम तक पहुंचने की एक सीढ़ी है सूफी औलिया और भक्ति संतों के परस्पर ताल्लुकात की दो सदियों के बाद ही मीरा ने कहा एरी मैं तो प्रेम दीवानी मुल्ला दाऊद की चंदायन में जो प्रेम दिखाया गया है वो अनैतिक है और दुखों से भरा है क्योंकि सच्चा इश्क हर बंधन से मुक्त होता है इश्क जो बंदा खुदा से करता है उसमें भी दुख भरे मार्ग पर चलकर निजात मिलती है जो नहीं प्रेम पंथ सिर देता वो पृथ्वी पर जन्म क्यों लेता जैसे जैसे इस्लाम का हिंदुस्तान में फैलाव हुआ वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान दोनों में कई सुधारक भी उभरने लगे उन्होंने धार्मिक दिखावे और पाखंड की आलोचना करके हिंदू और मुस्लिम मजहबों को करीब लाकर एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की 15वीं सदी में दक्षिण भारत के रामानंद पहले सुधारक थे जिन्होंने आपसी सद्भाव का प्रचार किया उन्होंने जात पात की मुखालिफत की और उसे नकारा उनके शिष्यों में से एक जुलाहे कबीर भी थे जो आगे चलकर अपने गुरु से भी ज्यादा मशहूर हुए आज भी दूर दराज के गांव में कबीर भजन गाए जाते हैं वो न हिंदू थे न मुसलमान बल्कि दोनों के बीच में ही कुछ थे अलग अलग मजहब और जातियों के कई लोग उनके अनुयायी बन गए कहे कबीर भरम सब भागा निरंजन सो मन लागा एक निरंजन सो मन लागा एक निरंजन अल्लाह मेरा एक निरंजन अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दोही नहीं मेरा हिंदू तुर्क दोही नहीं मेरा कबीर के बाद उत्तर भारत में एक और महान सुधारक और धार्मिक नेता हुए ये थे गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की ओ
तला पाताल लख आगास पाताला पाताल लख आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहनी बात सहसी अठारह कहन कते बा असलू एक तात लेखा होए ताली किए लेखे होए विनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप पाताला पाताल लख आगास आगास पाताला पाताल लख आगास आगास। तो इस तरह सुधारों की और समन्वय की शुरुआत हुई। जिंदगी के दूसरे दायरों में भी जाने अनजाने मेल जोल बढ़ा। एक नई तहजीब, एक नई तर्ज तामीर, एक नई जबान सामने आ रही थी। पहनावे बदल रहे थे और खाने पीने के तौर तरीके भी, और रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की तब्दीलियां आईं। तो इस तरह जब राजा अपनी आपसी लड़ाइयों में एक दूसरे को नष्ट करने पर तुले थे, तब चंद खामोश ताकतें देश को फिर एक सूत्र में जोड़ रही थीं, ताकि लोग अमन चैन से साथ रह सकें और अपनी शक्तियों को तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलकर तमाम अच्छाइयों को फिर से एकता के सूत्र में जोड़ना है, लेकिन इस बार हमारी नींव ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आपसी बराबरी और आजादी की बुनियाद पर खड़ा समाज, एक बदलती दुनिया से जुड़ा हुआ समाज, तभी यह कायम रह पाएगा। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभि देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। एंड अप्रैल 1918।